हम लोग भी सुने हैं कि NIT घाट में पूरा पानी लगा हुआ है, तो आए हैं देखने। सुने तो देखने आ गए हैं। हाँ, देखने आ गए। अच्छा है, लेकिन आगे से बहुत रोड दिक्कत दे रहा है, आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को पता नहीं था, हम तो खुद ही 2-3 महीने बाद आए हैं, तो लेकिन एंट्री करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इससे अच्छा नो एंट्री का वो कर देते कि अंदर नहीं आना है। इससे ही अगर जलस्तर में वृद्धि हुई तो मतलब आपको लगता है कि 2-4 दिन में पटना शहर में भी पानी जा? हाँ, पटना अंदर तो पानी घुस ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हो रहा है और लोग को भी, लोगों को परेशानी हो सकती है। हाँ, सरकार की तरफ से NIT घाट को पूरी तरह से भी जब तक गंगा में पानी भरा हुआ बंद कर देना चाहिए। हाँ, एकदम बंद कर देना चाहिए, जब तक पानी बढ़ा हुआ है तब तक बंद कर देना, दिक्कत सब। नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं News4Nation। 15 और 16 सितंबर को बिहार में हुए भीषण बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हुआ है। गंगा नदी आप देख सकते हैं पीछे कि गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है। यह पटना का NIT घाट है जो कभी पर्यटकों से गुलजार रहता था। यहाँ प्रतिदिन जो है सैकड़ों की संख्या में हज़ारों पर्यटक यहाँ आते थे, लोग पटना के लोग यहाँ घूमने आते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी कम लोग आ जाए हैं क्योंकि पूरे जो NIT घाट है उसमें पूरे में जलस्तर भर गया है। इतना पानी है यहाँ कि लोग आने के लिए भी शंकित है कि आने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे कई लोग हैं जो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, कैसे का एक पानी भर गया? पानी अब कैसे, देखिए बारिश की वजह से सब पानी बढ़ा हुआ है। अब हम लोग भी सुने हैं कि NIT घाट में पूरा पानी लगा हुआ है, तो आए हैं देखने। सुने तो देखने आ गए हैं। हाँ, देखने आ गए। सरकार की तरफ से कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए? अब देखिए, अब सरकार न, अब हम लोग तो आए हैं देखने के लिए, यहाँ पे क्या सुरक्षा है नहीं है वो तो सब मतलब सरकार जाने। ऐसे ही अगर जलस्तर में वृद्धि हुई तो मतलब आपको लगता है कि 2-4 दिन में पटना शहर में भी पानी जा? हाँ, पटना अंदर तो पानी घुस ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी काफ़ी कम हुआ है। कम? हाँ, दोस्त बोला है कि पानी बहुत चढ़ गया, वही देखने के लिए आए थे, लेकिन पानी कम हुआ है। आप इससे पहले भी NIT घाट आते थे क्या? हाँ, आते तो थे। तो मतलब आपको आज आए का एक तब मालूम चला, किसी के द्वारा मालूम? दोस्त ने बताया है कि NIT घाट पूरा डूब गया है, तो वहीं हम लोग देखने के लिए आए हैं, हम लोग दोनों दोस्त हैं। अच्छा, तो सरकार की तरफ से नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहाँ पे कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए हैं? अभी तो देखे हैं कि SDRF की टीम यहाँ, SDRF है। अच्छा, SDRF। हाँ, SDRF की टीम यहाँ घूम रही है। अच्छा, यही व्यवस्था है। व्यवस्था है। इतना पानी नहीं होता था गंगा में, के जलस्तर में इतना वृद्धि नहीं हुआ होता था, गंगा अपने रौद्र रूप में नहीं होती थी, लेकिन अब जो आप आई है गंगा में इतना पानी है, इतना पूरा NIT घाट डूबा हुआ, तो कैसा? अच्छा है, लेकिन आगे से बहुत रोड दिक्कत दे रहा है, आने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को पता नहीं था, हम तो खुद ही 2-3 महीने बाद आए हैं, तो लेकिन एंट्री करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इससे अच्छा नो एंट्री का वो कर देते कि अंदर नहीं आना है। इससे दिक्कत हो रहा है और लोग को भी, लोगों को परेशानी हो सकती है। हाँ, सरकार की तरफ से NIT घाट को पूरी तरह से भी जब तक गंगा में पानी भरा हुआ बंद कर देना चाहिए। हाँ, एकदम बंद कर देना चाहिए, जब तक पानी बढ़ा हुआ है तब तक बंद कर देना, दिक्कत सबको हो रहा है। लेकिन अब पानी में एक बार अगर एक लोग चले गए तो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय तो करेंगे, लेकिन कल को नुकसान होगा तो फिर कोई हताहत हो जाए किसी की, वही चीज़ है। उसके लिए तो सरकार को बंद कर देना चाहिए, चाहे यहाँ प्रशासन भी एक आध दो खड़ा करना चाहिए, वो चीज़ का सुविधा यहाँ पे नहीं दिए। हम सरकार के इंतजाम से आप खुश नहीं? नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ है ना, दिक्कत हो रहा है, जैसे पता नहीं ना है लोग को, पता पर हाँ कहाँ गड्ढा है क्या है, कोई आ रहे हैं, अब हम भी हैं जबरदस्ती आ गए, हमको अब आए हैं तो चलो चल ही जाते, लेकिन इंतजाम भी तो वहाँ तो होना चाहिए। आपको यहाँ आकर मालूम चला कि इतना पानी भरा हुआ है पहले से? नहीं नहीं, हमें अभी आके पता चला, क्योंकि हम सिटी से आए हैं, तो हमें आके पता, डॉगी को घुमाना था, तो हम सोचे कि चलते हैं थोड़ा, तो पता चला अंदर आने के बाद। तो यहाँ पे आप लेमन टी भी पी रहे हैं? लेमन टी वाले आ गए तो ले लिए लेमन टी, आप लोग भी पीजिए। हैं इंजॉय कर रही हैं इसको या? इंजॉय कर रहे हैं यहाँ बैठ के, वैसा कुछ, बस एंट्री थोड़ी सी दिक्कत है आने जाने में, पानी इतना है कि आना ही जाना में दिक्कत हो गई। सरकार को बंद कर देना चाहिए? हाँ, एकदम, जब तक पानी कम नहीं हो तब तक आना जाना बंद कर देना चाहिए, इससे दिक्कत हो सकते हैं। जो टीनेजर एज की लड़कियाँ लोग आती हैं वो लोग ज़्यादा इंजॉय करती हैं यहाँ पे, तो उसके लिए थोड़ा सा बंद करना चाहिए। मतलब इंजॉय करने के चक्कर में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए? दुर्घटना हो जाए, लोग तो मस्ती करते ही हैं, लेकिन दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकता है, ये चीज़ तो थोड़ा इसके लिए प्रशासन को भी रखना चाहिए। बिहार सरकार को? जी, बिहार सरकार को भी। देखें इतना पानी 2016 में, 2016 में, हाँ 2016 के बाद आज तक कभी ऐसा इतना जलस्तर में गंगा में वृद्धि नहीं हुई थी? नहीं, 16 से तो अभी कम में है। अच्छा, 16 में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा था, बहुत आगे उधर सब डूब गया था पानी, वहाँ वो आगे चल गया था। तो आपको लगता है कि जैसे पानी जैसे जैसे बढ़ रहा है वो चल जाएगा, सिटी भी जलमग्न न हो जाए? नहीं, वो उतना तो नहीं होगा। अभी सरकार की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से या कुछ? अभी तो नहीं है उतना। अच्छा, कुछ नहीं,
नहीं। सरकार को करना चाहिए नीतीश कुमार। हाँ करना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? व्यवस्था करना चाहिए, जहाँ अथी है, गहराई है, जहाँ नीचा है क्षेत्र, उस सब में करना चाहिए। पीछे देखें कई नालियाँ हैं जो खुली हुई हैं। हाँ उस सब में तो अभी नहीं चढ़ेगा, ये एरिया ऊँचा है। इधर जो रास्ता है आने का थोड़ा सा ना है, थोड़ा सा आगे है, वो कोई ज्यादा नहीं है। कई नाली हैं जो खुली हुई है तो उसमें लोग गिर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। हाँ ये सब तो हो सकता है, सरकार को इंतजाम करना चाहिए। इंतजाम करना चाहिए। आपने सुना कि पटना के लोगों ने बताया कि जिस तरह से गंगा के जलस्तर में पिछले एक दो दिन में वृद्धि हुई है, अगर अगले कुछ और दिनों में अगर बरसात ज़्यादा होती है तो वो दिन दूर नहीं जब पटना शहर भी जलमग्न हो जाए गंगा के पानी से।